नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6 की। हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली 5 प्रश्नावलियों में सीखा कि किस तरह से रैखिक समीकरण युग्म का हल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने 4 विधियों का जो है अध्ययन किया है। ये विधियां हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने ग्राफीय विधि का अध्ययन किया, जिसमें हमने ग्राफ की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म जो हमारे पास है, रैखिक समीकरण युग्म, इसका हल ज्ञात किया, का हल हमने ज्ञात किया ग्राफीय विधि से। इसके बाद हमने दूसरी जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हमने रैखिक समीकरण युग्म है जो, उसका हल ज्ञात किया। ठीक इसी तरह से एक अन्य विधि में विलोपन विधि की सहायता से हमने रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया। और अंत में हमने वज्र गुणन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया। तो इन 4 विधियों की सहायता से हमने जो रैखिक समीकरण युग्म थे हमारे पास, उसका हल हमने ज्ञात किया। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम उन समीकरणों को, जो रैखिक समीकरण तो नहीं है लेकिन उनको रैखिक समीकरणों में बदला जा सकता है और फिर उनका हल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम ले कि 2/x जमा 3/y बराबर है 13, और 5/x माइनस 4/y बराबर है -2। तो हमारे पास ये 2 समीकरण है। तो यहां पे जो ये 2 समीकरण है, ये रैखिक समीकरण नहीं है, या फिर ये कहें कि ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। तो इनको, इन समीकरणों को पहले हम रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में व्यक्त करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनमें से कोई भी एक विधि का प्रयोग करके हम इसका हल ज्ञात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में लिखे जा सकने वाले समीकरण, यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरणों के रूप में लिखे जा सकने वाले समीकरण, यानी कि उनका हल हम ज्ञात करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक 2 समीकरण है, एक युग्म है हमारे पास, इसमें एक समीकरण ये है और दूसरा ये है, लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि जो एक्स और वाई चर है वो बटे में आए हुए हैं। तो इन समीकरणों को हम रैखिक समीकरणों के रूप में लिखेंगे और फिर हम इनका हल ज्ञात करेंगे इनमें से कोई भी एक विधि का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहां पे हमारे पास जो 2 समीकरण दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 2/x जमा 3/y बराबर है 13, तो ये हमारे पास समीकरण 1 है। इसी तरह से दूसरा जो समीकरण है वो है 5/x माइनस 4/y बराबर है -2, तो ये हमारे पास 2 समीकरण है। हम इन समीकरणों को क्या करेंगे, इनको रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 2 समीकरण है। अगर आप इन समीकरणों को ध्यान से देखें तो मैं इसको देखो किस तरह से लिख रहा हूं। हमारे पास है 2/x को हम लिख सकते हैं 2×1/x प्लस 3×1/y बराबर है 13, और ठीक इसी तरह से
पांच बटे एक्स को हम लिख सकते हैं पांच गुना में एक बटा एक्स माइनस चार गुना में एक बटा वाई बराबर है माइनस दो। तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आप यहां पे इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो एक बटा एक्स है और एक बटा जो वाई है, ठीक इसी तरह से यहां पे एक बटा एक्स और एक बटा वाई है। अगर इनका हम इन मान को किसी और अन्य मान के बराबर रख दें, यानी कि प्रतिस्थापन कर दें, तो फिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदल जाएंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, तो हम यहां पे एक बटा एक्स को पी मान लेते हैं, माना एक बटा एक्स बराबर है पी तथा एक बटा वाई बराबर है क्यू। तो एक बटा एक्स को हमने पी मान लिया और एक बटा वाई को क्यू मान लिया। अब हम इनमें रख देते हैं मान, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दो एक बटा एक्स हमारा पी के बराबर है, तो दो गुना में पी यानी के दो पी जमा तीन गुना में क्यू यानी के तीन क्यू बराबर है तेरह। तो ये हमारे पास समीकरण तीन हो गया। ठीक इसी तरह से यहां पे पांच गुना में एक बटा एक्स पी है, तो पांच एक्स यानी के पांच पी हो जाएगा, पांच गुना में एक बटा एक्स, एक बटा एक्स हमारा पी है, तो पांच पी माइनस के चार क्यू बराबर है एक, इसके बराबर हो जाएगा माइनस दो के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण चार। अब प्यारे बच्चों समीकरण तीन और समीकरण चार आप ध्यान से देखो, आपने पिछली पांच प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो इसी तरह के हैं, बशर्ते कि वो ज्यादातर क्वेश्चन किसमें थे, एक्स और वाई में थे। यहाँ पे ये किसमें आ गए, पी और क्यू में आ गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये समीकरण थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखे गए और यहाँ पे हमारे पास चर हो गए पी और क्यू। तो अब ये जो रैखिक युग्म है आप किसी भी एक विधि से इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर विलोपन विधि से हम इसको हल करें तो गुणांक हमें बराबर बनाने, हम पी के गुणांक को बराबर बनाते हैं, तो समीकरण तीन को हमें पाँच से गुना करना पड़ेगा और समीकरण चार को हमें दो से गुना करना पड़ेगा। आप चाहो तो लिख सकते हो कि समीकरण तीन को पांच से तथा समीकरण चार को दो से गुना करने पर, तो ये हमने गुना कर दिया। अब आप देखेंगे इसको जब हम पांच से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दस पी जमा पंद्रह क्यू बराबर है तेरह पंजे पैंसठ। इसको समीकरण पांच मान लेते हैं और इसको जब हम दो से गुना करेंगे तो ये दस पी माइनस आठ क्यू बराबर है माइनस के चार। इसको समीकरण छह मान लेते हैं। अब यहां पे देखो पी के जो गुणांक है बराबर हो गए, अगर इनके निशान एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण को के साइन चेंज कर लेते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम साइन चेंज करते हैं तो समीकरण पांच में से समीकरण छह को घटा रहे हैं, और अगर साइन चेंज नहीं करते हैं तो इसका मतलब उनको जोड़ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से देखो 10p और माइनस 10p कैंसिल हो जाएगा, 15 क्यू और 8 क्यू यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 23 क्यू, 15 और 8 23 क्यू, और यहाँ पे 65 प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो 65 और 4 69 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 23 क्यू बराबर है 69, तो क्यू बराबर है 69, तो 69 बटे में 23, 23 एकम 23, 23 थिया 69, तो क्यू का मान आ गया 3। अब ये क्यू का जो मान है समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 में से किसी में भी रख सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्यू का जो मान है हम समीकरण 3 में रख देते हैं, और समीकरण 3 है हमारा यहां पे 2p प्लस 3 गुना में क्यू, क्यू का मान 3 है हमारे पास बराबर है 13, 2p प्लस 9 बराबर है 13, 2p बराबर है 13 माइनस 9, तो 2p बराबर है 4, और यहां पे हमारे पास p बराबर है 4 बटे में 2 यानी कि 2 एकम 2, 2 दुनी 4, तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो p है, p का मान आ गया हमारे पास 2
और क्यू का मान आ गया हमारे पास 3। लेकिन हमें जो समीकरण दिए हुए तो उसमें तो एक्स और वाई थे, तो हमें मान तो एक्स और वाई का निकालना है। अब आप देखेंगे कि 1/x किसके बराबर है, पी के। तो 1/x किसके बराबर है, पी के। हमारे पास 1/x पी के बराबर है और पी किसके बराबर है, 2 के। ठीक इसी तरह से 1/y किसके बराबर है, क्यू के, और क्यू किसके बराबर है, 3 के। इसका अर्थ यह हुआ कि 1/x किसके बराबर हुआ, 2 के, ये ले लिए हमने। इसी तरह से 1/y किसके बराबर हुआ, 3 के। अब देखो आप यहाँ पे r पार गुना कर दें, तो r पार गुना करेंगे तो 2x बराबर है 1, r पार गुना करेंगे तो x बराबर है 1/2। इसी प्रकार आप यहाँ पे r पार गुना करेंगे तो 3y बराबर है 1 और y बराबर है 1/3। तो x का मान आ गया आपके पास 1/2 तथा y का मान आ गया हमारे पास 1/3। तो ये हमारे पास जो हमें समीकरण दिए हुए थे उसका हल हमने ज्ञात किया। जो समीकरण युग्म दिया हुआ था रैखिक समीकरण नहीं था, पहले हमने उसको क्या किया, रैखिक समीकरणों में व्यक्त किया, और फिर कोई भी एक विधि जो हमने पिछली 5 प्रश्नावलियों में पढ़ी है उनमें से किसी एक विधि का प्रयोग किया। हमने यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग किया है, आप चाहो तो प्रतिस्थापन का कर सकते हो, आप चाहो तो वज्रगुणन का कर सकते हो। ग्राफिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आप चाहो तो ग्राफिकल मेथड का भी, या फिर जिसको हम ग्राफिया विधि भी कहते हैं, तो ग्राफिया विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसकी जांच कर लेते हैं, इसका सत्यापन कर लेते हैं कि जो हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है। तो हम समीकरण 1 लेते हैं जांच करने के लिए, 2/x जमा 3/y बराबर है 13। अब एक्स का मान 1/2 है, तो 2/1/2 प्लस 3/y का मान है 1/3 बराबर है 13। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा 13। तो 13 बराबर है 13, तो बिल्कुल सही है। और अगर समीकरण 2 लें तो समीकरण 2 में है 5/x माइनस 4/y बराबर है -2। तो 5/1/2 एक्स का मान माइनस 4/1/3 वाई का मान बराबर है -2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 × 2 = 10, -3 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 3 = 12 बराबर है -2। 10 − 12 -2 बराबर है -2, तो यहाँ से भी सही है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो हमने जो हल निकाले हैं उसकी हमने जांच समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख के कर ली, और पाया कि जो आंसर है हमारा, जो हल है, वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। यानी कि ये जो हल हमने निकाला है, ये जो हल हमने निकाला है ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप कोई भी जो 2 समीकरण दिए हुए हैं, जो रैखिक समीकरण नहीं है, ये स्पेशल टाइप के समीकरण है जो आपके पास प्रश्नावली 3.6 में है, इनमें आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण आपको दिए हैं आपको सोचना है कि किस तरह से आप इनको रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और फिर उसमें से आप जो x और y का या जो भी चर है इसके अंदर उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक समस्या और लेते हैं इसी प्रकार की, पर जो हमने उदाहरण लिया है उसमें है हमारे पास 10/x जमा वाई जमा 2/x माइनस वाई बराबर है 4, एक समीकरण। और एक और समीकरण है हमारे पास 15/x जमा वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर है -2। तो ये 2 समीकरण है पिछले उदाहरण में, और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पे जो बटे में एक चर था, अब की बार बटे में भी हमारे पास 2 चर है, तो इससे कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं 10 × 1/x जमा वाई जमा 2 × 1/x माइनस वाई बराबर है 4। और इसी तरह से इसको लिख लेते हैं 15 × 1/x जमा वाई माइनस 5 × 1/x माइनस वाई बराबर है -2। अब आप देखेंगे कि 1/x जमा वाई को हम p रख देंगे और 1/x माइनस वाई को हम क्या के बराबर रख देंगे। तो हम लिख देते हैं कि माना 1/x जमा वाई बराबर है p तथा
एक बटे में x माइनस वाई बराबर है क्यों। तो यहां पे हमारे पास जो ये समीकरण है देखो किस तरह बन जाएंगे, ये 10 गुना में p, यानी कि ये 10p जमा 2q बराबर है 4 हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण 3। इसी तरह से यहां से 15p माइनस 5q माइनस 5q बराबर है माइनस 2, तो ये हमारे पास समीकरण 4 हो गया। अब हमें एक रैखिक समीकरण युग्म मिल गया, हमारे पास चर हो गए p और q। तो अब इसको हम रैखिक समीकरण युग्म को जैसे हम सोल्व करते हैं उस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। आप इसमें कोई भी आप जैसे गुणांक p के भी बराबर बना सकते हैं और गुणांक q के भी आप बराबर बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप p के बराबर बनाएंगे तो आप इसको देखो, इसको आप 15 से गुना कर सकते हो और समीकरण 4 को आप 10 से गुना कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप q को बराबर बनाते हो तो देखो आप यहाँ इसको 5 से गुना कर दें और समीकरण 4 को आप 2 से गुना कर दें, तो ये थोड़ा छोटा कैलकुलेशन रहेगी, तो हम ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 को 5 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुना करने पर, तो अब इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 50p प्लस 10q बराबर है 20 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 5 आ गया। और इसको 2 से करेंगे तो ये 30p माइनस 10q बराबर है माइनस के 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास समीकरण 6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 10q प्लस का है और यहाँ पे 10q माइनस का है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा है। तो इनको जोड़ देंगे, 50p और 30p यानी कि यहाँ पे 80p हो गए हमारे पास, और बराबर है 20 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं तो 16 आ जाएगा। तो p बराबर है 16 बटे में 80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो p का मान आ गया हमारे पास 1/5। अब हम क्या करेंगे, जो p का मान है, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो p है जो उसका मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है हमारे पास 10, यहाँ पे 10p 10 गुना में p का मान है 1/5 प्लस 2q बराबर है 4, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 2 प्लस 2q बराबर है 4, 2q बराबर है 4 माइनस 2, ये 2 इधर आके माइनस 2, तो 2q बराबर है 2 और q बराबर है 2/2, 2 एकम 2, तो q का मान 1 आ गया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो p है वो 1/ x जमा वाई के बराबर है और इसका मान कितना आया 1/5। इसी तरह से जो q है वो 1/x माइनस वाई के बराबर है और q का मान कितना आया 1। तो हम इसको देखो, इसको लें अगर हम आर पार गुना कर दें तो x जमा वाई बराबर है 5। अब यहाँ से भी x का मान नहीं आया, पिछले जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें x का मान आ गया था, यहाँ पे भी हमें एक समीकरण मिला, तो 6 समीकरण हो चुके हैं, इसको हम 7 समीकरण मान लेते हैं। और यहाँ से देखो आप इसको जब सोल्व करोगे इसके बटे में एक लगा लेंगे तो आर पार जब गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर है 1 आ जाएगा, तो ये समीकरण 8 हो गया। अब ये x और y में दो और समीकरण आ गए, आपको इनको भी हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप इनको जैसे आपकी जो विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि या ग्राफीय विधि से हल, जिस भी विधि से करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि ले लेते हैं। और यहाँ की खास बात क्या है, देखो ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो यानी कि इसका मतलब हमने इनको जोड़ा है, तो 2x बराबर है 5 और 1 6, तो x बराबर है 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x का मान आ गया 3, x का मान 3 आ गया। अब x का मान यहाँ पे हम x का मान समीकरण 7 में रखने पर, 7 में
रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 7 में रख देते हैं, x जमा वाई बराबर है 5 है हमारे पास समीकरण 7, तो ये 3 जमा वाई बराबर है 5, वाई बराबर है 5 माइनस 3, तो y बराबर है 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो हल आ गया, जो समीकरण हमें दिए हुए हैं उनका हल आ गया x बराबर है 3 और y बराबर है 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये आपका जो आंसर आया वो सही है या नहीं, इसमें कोई त्रुटि है तो इसकी जांच हम कर लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 लिखे तो ये है 10 बटे में x जमा वाई प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर है 4। अब देखो x का मान 3 है और y का मान 2 है, 3 और 2 5, तो 10 बटे में 5 प्लस 2 बटे में 3 माइनस 2 1 बराबर है 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 मिला यहाँ से भी, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 2 बराबर है 4, तो यानी कि सही है, 2 और 2 4 ही होते हैं। और दूसरा समीकरण लें 15 बटे में x जमा वाई माइनस 5 बटे में x माइनस वाई बराबर है माइनस 2। अब आप देखो x 3 है, y 2 है, 3 और 2 5, तो 15 बटे में 5 माइनस 5 बटे में 3 माइनस 2 1 बराबर है माइनस 2, 5 एकम 5, 5 थी 15, तो यहाँ से 3 माइनस 5 बराबर है माइनस 2, 3 माइनस 5 तो माइनस 2 ही होते हैं, तो माइनस 2 के बराबर है, यानी कि सही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। जांच करने का क्या बेनिफिट है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आया है उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो विशेष प्रकार के समीकरण हैं उनको आप रैखिक समीकरणों में बदल के उनको हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक जो दैनिक जीवन से जुड़ी एक समस्या लेते हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक समस्या है, आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है तैराकी की, तैरने की। तो ऋतु एक तैराक है जो एक बार तो जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ तैरती है और एक बार जिस तरफ पानी बह रहा है उससे दूसरी तरफ उसके विपरीत दिशा में तैरती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम देखो थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास ये इस तरह से पानी बह रहा है। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें उसकी जो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो इसके हल की अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल मीन्स तैरने की चाल, उसकी तैराकी की चाल वो है x km किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी तरह से धारा की चाल इसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखेंगे कि ऋतु, मान लो जो पानी है वो इस तरफ बह रहा है, मान लो पानी इस तरफ बह रहा है, तो जब ऋतु, जो ऋतु है इस तरफ तैराकी करेगी तो पानी का जो वेग है उसको हेल्प करेगा, उसकी गति को बढ़ा देगा, और जब ऋतु इस तरफ तैराकी करेगी विपरीत दिशा में तैराकी करेगी तो पानी उसकी जो चाल है उसको रोकेगा, क्योंकि पानी हमारे पास इस तरफ बह रहा है और ऋतु इस तरफ जाएगी विपरीत दिशा में तैरेगी तो उसकी जो तैरने की जो चाल है वो कम हो जाएगी क्योंकि पानी उसको रोकेगा। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि धारा के अनुकूल ऋतु की
चाल। ऋतु की चाल का मतलब यहाँ पे तैराकी की चाल से है। अब ऋतु इधर जा रही है और पानी भी इधर जा रहा है, तो यानी कि ऋतु की चाल बढ़ जाएगी, यानी कि वो दोनों प्लस हो जाएंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और दूसरी स्थिति क्या है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत ऋतु की चाल, दूसरी स्थिति हमारे पास है कि धारा के जो विपरीत है वो ऋतु की चाल क्या है। अब वो कम हो जाएगी क्योंकि पानी उसको आगे बढ़ने से रोकेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई के एम पी एच, यानी कि किलोमीटर पर आवर, तो उसको रोकेगा वो। अब आप देखेंगे कि प्रश्नानुसार हमारे पास दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल, जब वो धारा के अनुकूल चलती है तो दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब आप देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जब वो धारा के अनुकूल चलती है, दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, चाल गुना में समय। अब पहला केस, धारा के अनुकूल चाल है हमारे पास x जमा वाई, समय दो घंटे बराबर है किसके बराबर, चाल गुना समय किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के। और दूरी कितने किलोमीटर कवर की, 20 किलोमीटर, तो ये किसके बराबर हो गया, 20 के। यहाँ पे 2x जमा 2y बराबर है 20, 2 से भाग कर देंगे तो x जमा वाई बराबर है 10, तो एक समीकरण मिल गया हमें। इसी प्रकार एक और स्थिति है हमारे पास, इसी प्रकार धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दो घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत चाल कितनी है, x माइनस वाई, समय दो घंटे, और दूरी कितनी कवर होती है, 4 किलोमीटर, तो ये किसके बराबर हो गया, 4 के। यहाँ पे कितना आ गया, 2x माइनस 2y बराबर है 4, इसको भी 2 से भाग कर दिया तो x माइनस वाई बराबर है 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, ये जो दो समीकरण है आप इनको हल कर लेंगे। तो पहला समीकरण है x जमा वाई बराबर है 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 2। तो इनको जब हम हल करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो, देखो ये तो ऐसे ही, ये प्लस का वाई है ये माइनस का वाई है, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ा है, तो ये हो गया 2x बराबर है 10 और 2 12, तो x बराबर है 12 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो x का मान आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रख देते हैं, समीकरण एक है x जमा वाई बराबर है 10, तो x का मान है 6 जमा वाई बराबर है 10, तो y बराबर है 10 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 4। तो अतः हम लिख सकते हैं कि स्थिर जल में ऋतु की चाल यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल यह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब अपने आंसर की अगर हम जांच करना चाहें तो ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ऋतु धारा की दिशा में चलेगी तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 किलोमीटर, और दो घंटे में कितना, 10 दूनी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर ही था देखो, तो बिल्कुल सही है, दो घंटे में 20 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में ऋतु की 6 है और धारा की 4 है, तो 6 में से 4 चले जाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही तैर पाएगी धारा की विपरीत दिशा में एक घंटे में, तो एक घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर की जो जांच है वो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास प्रश्नावली 3.6।
जिसमें हमारे पास विशेष प्रकार के समीकरण थे जिनको कि हम रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और फिर उन रैखिक समीकरण युग्म को आप किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न इस तरह से हैं कि जब आप उनको रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करोगे तो आपके पास हल आ जाएगा, जैसे हमने जो उदाहरण एक लिया था। और जो उदाहरण दो है उसमें कई बार जब आप उसको अन्य चर में व्यक्त कर लेते हो, उसके बाद जब आप उसको हल करके मान निकालते हो, तो फिर आपके पास जो पहला वाला चर था उसमें दो समीकरण मिल जाएंगे, और फिर उनको आपको फिर से एक बार और सोल्व करना पड़ेगा। एक दो स्थिति, दूसरी स्थिति यह है, और तीसरी स्थिति यह है कि आपके पास जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आप कंडीशन बनाते हुए उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने जो इस लेक्चर से सीखा, इसकी सहायता से आप प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप गणित विषय में निपुण होंगे, आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे, और आपकी जो मिस्टेक, जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो कम होते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।